गुड इवनिंग एवरीबडी। सो अप टू 73 आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 74। ठीक है, इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, वैल्यू ऑफ Z11 अपॉन Z22 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। और जो भी क्वेश्चन मैं इसके पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 74। ठीक है, फॉर दिस टू पॉइंट नेटवर्क Z11 अपॉन Z22 की तुम्हें वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए तुम्हें एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि जो ये 4 ओम है और ये 4 ओम है वो एक दूसरे के साथ क्या है, सीरीज में है। ठीक है, क्योंकि जो करंट यहाँ से जाएगी वो करंट यहीं से वापस आएगी, इसलिए दोनों क्या होंगे, सीरीज में होंगे। इसी तरह से जो 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 करंट इसमें से जाएगी वही करंट इधर से जाएगी, तो ये दोनों भी क्या है, सीरीज में है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप सॉल्यूशन इसका देखेंगे तो डायरेक्टली ये दोनों क्या है, सीरीज में है। ठीक है, ये मतलब बहुत अच्छा, ज़्यादा अच्छा ऑब्जर्वेशन होता है। अगर आप कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है कि भाई जो करंट यहाँ से जाएगी वही करंट यहाँ से वापस लौटेगी, अगर I1 यहाँ से जा रही है तो I1 ही यहाँ वापस लौटेगी। ठीक है, इसी तरह से अगर I2 यहाँ जा रही है तो I2 यहाँ वापस लौटेगी, है ना। सो दे कैन बी प्लेस्ड विथ 8 ओम, ऐसे डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं और इसको भी आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 2 किलो ओम। ठीक है, ये जो है फिर यहाँ से जब आप देखेंगे तो ये बेसिकली, इसके बाद एक ट्रिक होता है कि Z11 Z22 इक्वल टू ये 1+2। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका सिंपल। जेड जब आप, अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे करंट I1 बा है और यहाँ से करंट क्या बना है, I2 बा है। ठीक है, और करंट जो फ्लो होगी यहाँ पे I1 प्लस I2 फ्लो होगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये V1 है प्लस माइनस V1। अब जब तुम करोगे कि V1 की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 8 I1 प्लस 2 टाइम्स I1 प्लस I2, ये होगी। ठीक है, इक्वल टू 8+2 10 I1 प्लस 2 I2। ठीक है, तो यहाँ से तुम कंपेयर करोगे Z11 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 ओम के, और Z12 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी। तो इसको तुम कैसे कंपेयर करोगे, Z1 विल बी कंपेयर एज Z11 I1 प्लस Z12 I2। ठीक है, अब इसी तरह से जब तुम ये देखोगे यहाँ पे प्लस माइनस V2 करोगे ना, तो ठीक है, तो V2 की वैल्यू किसके बराबर करोगे, 8 I2 प्लस I1 प्लस I2 into 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ से I1 करंट जा रही है तो यहाँ इसमें कितनी करंट जाएगी, I1 प्लस I2 जाएगी, तो ऐसे चलोगे तो V2 इज इक्वल टू 8 I2 प्लस 2 टाइम्स I1 प्लस I2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 I1 प्लस 10 I2 के बराबर। ठीक है, तो इसको जब तुम कंपेयर करोगे कि V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2, तो यहाँ पे Z22 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 10 ओम के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्टली क्या हो सकता है, Z11 विल बी गिवन एज 8+2 इक्वल 10 ओम, और Z12 इक्वल टू Z21 इक्वल टू ये बीच वाला 2 ओम। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। सो वॉज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, रेशियो जो होगा दोनों का 1, क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटी है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 75। 75 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक कंसेप्ट ये होता है इस्तेमाल, वैसे ये तो आई होप आप सबको पता ही होगा कि देखो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट पकड़ा है। यहाँ पर सिंपल वोल्टेज डिवीजन लगा है कि जो VA की वैल्यू होगी वो RG अपॉन R2 प्लस RG के बराबर होगी, टू बी टू। इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है VA, उसका तुम इस वोल्टेज डिवीजन मेथड से आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से VA इक्वल टू VB होता है। ठीक है, तो I की जो वैल्यू निकालोगे, V1 माइनस VA अपॉन R1 की निकालोगे। अब देखो VB, ठीक है, VB जो है देखो I विल बी गिवन एज VB। अब देखो यहाँ पे सिंपल कंसेप्ट ये लगता है कि भाई ओपैम का जो इनपुट इम्पिडेंस होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से जाने वाली करंट इसके अंदर ना जाके ऐसे जाएगी, मतलब अगर आप अच्छे समझें, ऐसे करंट जाएगी, अंदर कोई भी करंट नहीं जाएगी, ऐसे बाहर जाएगी। ठीक है, इसमें मतलब ओपैम के आउटपुट पे जाएगी। ठीक है, तो यही कंसेप्ट इसमें इस्तेमाल होता है। अब देखो आई 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 की वैल्यू कैसे निकाली, V1 माइनस VB अपॉन R1, और I की वैल्यू यहाँ से कैसे निकाली, VB माइनस VOUT अपॉन R(F). ठीक है, तो अंदर कोई भी करंट नहीं जा रही है, तो दोनों आई को जो तुम बराबर करोगे तो यहाँ से तुम्हारा ये वाला रिलेशन आएगा कि V1 माइनस VB अपॉन R1 शुड इक्वल टू VB माइनस VOUT अपॉन R(F). ठीक है, तो जब प्रॉपर सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ से क्या होता है, फिर तुम्हें क्या करना है, बस ये याद रखना है कि जो VA की वैल्यू है वो VB के बराबर है।
ठीक है, नीचे चल के तुम्हें क्या करना है, वी वी की वैल्यू रिप्लेस करनी है किससे, वी ए से। ठीक है, तो इसमें सिंपल कंसेप्ट आप हमेशा ये याद रखिएगा कि पहले तो यहाँ तुम्हारा जो है वोल्टेज डिवीजन कंसेप्ट लगना है। ठीक है, पहला कंसेप्ट ये है। और दूसरा कंसेप्ट ये है कि जब भी दूसरा मतलब दूसरा एक कंसेप्ट जो कि होता है लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल ऐसा नहीं हुआ है, वो ये है कि दैट सपोज इनपुट इज गिवन टू नेगेटिव टर्मिनल, ऐसे ना माइनस प्लस अगर इनपुट दिया जा रहा है, ये वी आउट और ये आर टू आई आर वन, तो वी वी आउट की वैल्यू किसके बराबर होती है, माइनस आर एफ बाई आर वन इंटू वी इनपुट के ना, ये होता है वी आउट की वैल्यू। तो देखो यहाँ से तो आई के बराबर किया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखो करोगे कैसे इसको कि देखो वी आउट यहाँ से आ जाएगा, वी आउट यहाँ से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंपल वो किया गया है कि ये एक्सप्रेशन आ गया, उसके बाद वी वन बाई आर वन, फिर यहाँ से बेसिकली ऐसे किया गया, देखो वी वन माइनस वी वी अपॉन आर वन इज इक्वल टू वी वन बाई आर वन माइनस वी वी बाई आर वन, तो ये किया गया यहाँ पर। ठीक है, यही किया गया यहाँ पर। ठीक है, इसको हम बीच में से तोड़ सकते हैं। ठीक, तो वी बी मैं इसको भी यहाँ पे ऐसे किया गया, तो वी आउट इज इक्वल क्या हो जाएगा, वी बाई वी बी बाई आर पर आर एफ प्लस वी बी बाई आर वन माइनस वी आर वन बाई वी वन बाई आर वन। ठीक है, अब देखो वी बी की वैल्यू तुमको इक्वेट है वी ए के, तो मतलब वी बी को तुम इससे रिप्लेस कर सकते हो, तो बस वही यहाँ पे किया गया है, जो वी बी की वैल्यू है वो रिप्लेस हुई है इस क्वांटिटी से। ठीक है, उसकी क्वांटिटी ये देखो, ये इंटू वी बी इंटू वी टू इंटू आर एफ। ठीक है, इसी तरीके से वी बी की वैल्यू यहाँ भी रिप्लेस हुई है, और बाकी ये वी वन बाई आर वन तो था ही ऐसे। ठीक है, बस इसको बस तुम्हें फिर आर टू प्लस आर जी यहाँ कॉमन ले लिया गया, तो आर जी बाई आर एफ प्लस आर जी बाई आर वन इंटू वी टू माइनस वी वन बाई आर वन, तो वन बाई आर टू ये कॉमन लिया गया, इसका एलसीएम लिया गया यहाँ पर, तो ये आया। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनल हो गया वी नॉट किसके प्रोपोर्शनल हो गया, वी टू माइनस वी वन के प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, अगर सारे सारे को तुम अगर इक्वल मानोगे, तो देखो अगर सारे को सब कुछ इक्वल मानोगे तो तुम देखोगे कि किसके प्रोपोर्शनल है, वी टू माइनस वी वन के प्रोपोर्शनल है, या फिर अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखो तो सिंपल वी वन माइनस वी टू के भी प्रोपोर्शनल कहलाएगा, अगर मैग्नीट्यूड देखोगे। ठीक है, सो देयरफॉर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब किसके प्रोपोर्शनल है, दोनों के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, नो मैटर किसके मतलब डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है, इसके लिए इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। ठीक है, तो इस ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको एक कंसेप्ट याद रखना चाहिए कि बस यही अच्छे से याद रखना कि भाई अगर कुछ भी हो रहा है, एक तो पहले आप वोल्टेज डिवीजन वाला कंसेप्ट अप्लाई करोगे कि वी ए की वैल्यू इसके बराबर होती है, और जो दूसरा कंसेप्ट अप्लाई करोगे वो ये अप्लाई करोगे कि भाई यहाँ से जो करंट बह रही है वो ओपैम के अंदर ना जाकर ऐसे करके ऐसे जाएगी, क्या कैसे कर? ऐसे करके ऐसे जाएगी। ठीक है, ये दो चीज़ आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। ठीक है, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर, सो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, फिर आता है 76, वो क्वेश्चन बेसिकली रॉन्ग। ठीक है, फिर आता है 77 क्वेश्चन। 77 क्वेश्चन क्या है कि ये ट्रांसफार्मर तुमको दिया हुआ है, इन द ट्रांसफार्मर सर्किट शोन बिलो इफ प्रोवाइडेड वी वन इज ग्रेटर देन वी टू, ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफर फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी इंडक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल। देखो किसी भी ऑटो ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करते हैं, तो उस ऑटो ट्रांसफार्मर में पावर कंडक्टिव भी ट्रांसफर होता है और इंडक्टिव भी ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो देखो इस फिगर को अगर आप देखें तो अच्छे समझ में आएगा कि देखो वी वन पावर यहाँ से दिया गया ना, तो ये जो पावर ट्रांसफर हुआ ये तुम्हारी ऐसे समझ लो कि ये तुम्हारी प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग है, और ये तुम्हारी सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, ये है तुम्हारे पास। अब देखो कह रहे कैसे कि भाई ये प्राइमरी है ये सेकेंडरी है, तो इसमें वो कह रहा है कि यहाँ वाली जो पावर है ये कंडक्टिव पावर ट्रांसफर हो रही है वाइंडिंग में, और यहाँ वाली जो पावर है ये इंडक्टिव ट्रांसफर ही, मतलब कि यहाँ जो है जहाँ से जो करंट जाएगी उसके वजह से यहाँ जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो कंडक्टिव हुआ, लेकिन यहाँ से जो फ्लक्स बन के यहाँ इंड्यूस करेगा वो तुम्हारा इंडक्टिव हुआ। ठीक है, तो देखो यहाँ के वैसे आएगी तो उसके वो किसके प्रोपोर्शनल जाएगी, वी टू के प्रोपोर्शनल जाएगी, लेकिन इस जहाँ पे होगी वो क्या होगी, वी वन माइनस वी टू के बराबर होगी। ठीक है, वी वन माइनस वी टू के बराबर होगी। ठीक है, सो दिस इज वॉट यू हैव टू, तुमको रेशियो निकालना था इसका कि पावर ट्रांसफर फॉर प्राइमरी टू सेकेंडरी इंडक्टिव पावर ट्रांसफर फॉर प्राइमरी टू सेकेंडरी इंडक्टिव टू इंडक्टिव इज प्रोपोर्शनल टू वॉट, सो इट विल सिंपली वी वन माइनस वी टू अपॉन वी वन। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ वाली जो पावर है, क्योंकि देखो वी वन यहाँ से आ गया प्राइमरी पे, वी टू यहाँ पर आ गया जो उसके सेकेंडरी पर है, तो जितना ये वाला जो बचा है जो कि इंडक्टिव पावर है वो वी वन माइनस वी टू के बराबर हुआ, वो वी वन माइनस वी टू के बराबर, वो कौन सी पावर कहलाएगी, वो इंडक्टिव पावर कहलाएगी। ठीक है, तो दिस इज वॉट इज आस्क कि तुमको इसका रेशियो निकालना था कि वी वन माइनस वी टू इंडक्टिव टू प्राइमरी ना, इंडक्टिव पावर ट्रांसफर जितना हो रहा है किसके प्रोपोर्शनल है, वी वन माइनस वी टू अपन वी वन के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब कि पावर ट्रांसफर फॉर प्राइमरी टू सेकेंडरी इंडक्टिवली, इंडक्टिवली जो किसके प्रोपोर्शनल है, जो वी वन माइनस वी टू अपन मतलब वी वन माइनस वी टू की बेसिकली प्रोपोर्शनल है, विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी अगर तुम करोगे तो उसको तुम वी वन से डिवाइड करोगे, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो सिंपल यही कंसेप्ट कि कंडक्टिवली जो ट्रांसफर हो रहा है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, वी टू के, जो वोल्टेज इसके अक्रॉस है, और बाकी जो बच गया वो कॉन्सेप्ट वो कैसे ट्रांसफर हो रहा है, वो इंडक्टिवली ट्रांसफर हो रहा है।
ठीक है, कंडक्टिवली जो कंडक्शन से ट्रांसफर हो रहा है और जो बाकी जो बस गया वो इंडक्टिवली ट्रांसफर हो रहा है, तो वी वन माइनस वी टू यहाँ हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर। सो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर यही तुमसे क्वेश्चन पूछता कंडक्टिव, कंडक्टिव के लिए अगर तुमसे पूछता कि कंडक्टिव कितना पावर ट्रांसफर हो रहा है, तो तुम क्या बताते, कंडक्टिव ट्रांसफर हो रहा है कितना, वी टू अपॉन वी वन। ठीक है, ये होगा कंडक्टिव के लिए, कंडक्टिवली तुमको रेशियो का निकालना हो, और इंडक्टिव के लिए वी वन माइनस वी टू। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। सो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 78, विच इज अ क्वाइट थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कि इनमें से कौन सा कैटेगरी जो है सिंगल फेज कम्यूटेटर मोटर कहलाता है। इस राइट आंसर इज यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज अबाउट दिस जस्ट इट्स लाइक अ डायरेक्ट फॉर्मूला, कि मेकिंग कैपेसिटी जो होती है वो 2.55 इंटू सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, सो बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 80, दैट आई मे बी एक्सप्लेन इन माई नेक्स्ट वीडियो आई थिंक, या आई कैन आई मे बी एक्सप्लेन दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। इट इज जस्ट इट्स जस्ट लॉन्ग क्वेश्चन विच मे रिक्वायर सम टाइम आई थिंक, या विच मे रिक्वायर सम टाइम, सो आई विल एक्सप्लेन इन माई नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। सो थैंक यू फॉर दिस।